थोड़ी सी गला में खराश है, इसलिए अदरक वाली चाय पीते पीते मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। रुक नहीं रहा हूँ, रुकना नहीं लाइफ में यार, रुकना नहीं। एक ही स्टेप सही, एक ही स्टेप हर दिन बढ़ना है अपने लाइफ में। आप लाइफ में जितना भी गलती करना करो ना यार, जितना भी गलत काम करना है करो। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के टॉपिक पे, और मैं चाहता हूं कि आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जैसे अनअकैडमी पे मैंने कंप्लीट करवाया है, उसी तरीके से यूट्यूब पे भी आपका एक सेक्शन से लेके बेसिक पॉइंट से लेके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, व्हाट चेंजेस वेयर ब्राउट बाय द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। और उसी क्रम में मैं आज चैप्टर 4 पे आ चुका हूं, लेकिन अनअकैडमी पे मेरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑलरेडी कंप्लीटेड है अप टू सेक्शन 300 तक। एक एक सब सेक्शन को मैंने डिटेल में आपको बताया है विथ रिलेवेंट केसेस। करना कुछ नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक दिखेगा, आप उस पर क्लिक करना, मुझ तक आप पहुंचोगे। फॉलो अप करने के बाद आपसे कोड मांगेगा, आप कोड अप्लाई करना लॉ इज लाइफ, जी हाँ, विदाउट एनी स्पेस, कोई स्पेस नहीं देनी है। आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा, जहां पे आप मेरे स्पेशल क्लासेस को फ्रीली एक्सेस कर पाओगे, देख पाओगे। आपको मेरे क्लास का टाइमिंग स्केड्यूल सब कुछ आपको मेरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से दिख जाएगा, पता चल जाएगा। तो लिंक आपको वीडियो के सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कोड याद रखिएगा लॉ इज लाइफ। शुरू करते हैं हम लोग आज के सेशन को। सेक्शन 36 से बात करें अगर, तो सेक्शन 36 कहता है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। देखो 36 ये बता रहा है कि सुपीरियर ऑफिसर का क्या क्या पावर होता है। तो 36 के अकॉर्डिंग जो जो पावर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को है एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो जो पावर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन अपने पुलिस स्टेशन के लोकल लिमिट्स के अंतर्गत एक्सरसाइज करता है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, हर वो पावर उस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के सुपीरियर पुलिस को होगा। सुपीरियर पुलिस का मतलब तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, थाना अध्यक्ष कह सकते हैं हम उसको, तो उसका सुपीरियर ऑफिसर कौन होता है, एसपी होता है, तो एसपी को भी हर वो पावर होगा। तो ये होगा 36। बात हम करें सेक्शन 37 का, तो सेक्शन 37 क्या कहता है। सेक्शन 37 आपको बताता है कि पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। पब्लिक को कब असिस्ट करना है, मदद करना है मजिस्ट्रेट को, किन कामों के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस को मदद करना है। तो कुल तीन काम यहां दिया गया है एज पर सेक्शन 37। पहला है कि अगर मजिस्ट्रेट या पुलिस किसी व्यक्ति को अपने कस्टडी में लेना चाहती है तो इस कार्य में हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो मदद करे, या कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट या पुलिस के कस्टडी से फरार हो रहा है तो उसको फरार होने से रोका जा सके, इस बात के लिए असिस्ट करना हर एक व्यक्ति का जिम्मेवारी है। दूसरी बात कि अगर पब्लिक पीस ब्रीच हो रहा है, कहीं पे शांति व्यवस्था भंग होने का संभावना है तो उसको रोका जा सके, इस बात के लिए पुलिस मजिस्ट्रेट को मदद करना होगा हर एक इंडिविजुअल को। और तीसरी बात कि अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को, पब्लिक रिवर कैनल रोड को, अगर टेलीग्राफ को क्षति पहुंचाया जा रहा है तो क्षति पब्लिक प्रॉपर्टी को ना पहुंचे, इस बात के लिए अगर पुलिस या मजिस्ट्रेट को आवश्यकता है, जरूरत है मदद की, तो हर एक इंडिविजुअल का दायित्व है कि मदद करे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर मदद नहीं करता है मजिस्ट्रेट पुलिस के कहने पे भी, अगर व्यक्ति जिसको बोला गया है वो मदद नहीं करता है, असिस्ट नहीं करता है, तो वो आईपीसी के कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग ऑफेंस कर रहा है, वो कर रहा है सेक्शन 187 के अकॉर्डिंग ऑफेंस। बात करते हैं 38 का। देखो एक एक बातों को पूरी तरीके से समझो, जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हो ना तो एक बात याद रखना, बेयर एक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा, बेयर एक्ट पे पकड़ नहीं बनेगा। जिसको बेयर एक्ट पढ़ना आ गया, हम हमेशा कहते हैं जिसको बेयर एक्ट पढ़ना आ गया उसको लॉ पढ़ना आ गया। मैं बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ा जाता है, हाउ टू लर्न हाउ टू रीड बेयर एक्ट, इस पर एक सेशन करने वाले हैं अनअकैडमी पे, और ये परसों अनअकैडमी पे सेशन होगा, तो आप लोग मिस मत करना इस सेशन को, खुद को इनरोल्ड कर लो, फ्री क्लासेस में ही होगा। बस आपको मेरे प्रोफाइल लिंक पर जाके क्लिक करना है और कोड अप्लाई करना है लॉ इज लाइफ, ताकि आपको फ्री एक्सेस मिल जाए। बहुत मजा आता है अनअकैडमी पे,
और मैं आपको नोट्स बना के भी देता हूँ अपना खुद का कैसे मैंने लिखा, वो आपको काफ़ी हेल्प करता है आपके नोट्स बनाने में। नोट्स खुद का होना चाहिए लेकिन आप रेफरेंस ले सकते हो कि सर का नोट्स कैसा होता है। तो ये बातें हैं, बात करते हैं मुद्दे पे आते हैं, 38 का बात करते हैं। 38 क्या कहता है, एड टू पर्सन अदर देन पर्सन एग्जीक्यूटिंग वारंट, माफ कीजिए, एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर, एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। पुलिस ऑफिसर अगर वारंट एग्जीक्यूट कर रही है तो यहां पे पुलिस ऑफिसर को वारंट के एग्जीक्यूशन में मदद करने की बात नहीं की जा रही है। पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई अन्य व्यक्ति, पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई अन्य व्यक्ति अगर वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है और वो जो व्यक्ति वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, मान लो कि ए वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि आपको बात पता है अरेस्ट वारंट किस किस को डायरेक्ट हो सकता है, पब्लिक को भी, आम नागरिक को भी डायरेक्ट होता है फॉर एग्जीक्यूशन। जब पब्लिक पुलिस ऑफिसर अब एब्सेंट है तो फिर कोई आम नागरिक को भी वारंट दिया जा सकता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो मान लो कि वो आम नागरिक ए है, अब ये वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है, अब बी जो दूसरा व्यक्ति है, जो दूसरा आम नागरिक है, वो इसके समक्ष है, बी इज नियर एट हैंड ऑफ द ए, ए के समक्ष है और वारंट को एग्जीक्यूट करने में अगर ए बी को बोलता है कि तुम्हारी मदद चाहिए, तो यहां पे बी को मदद करना ही पड़ेगा ए को, ये उसका ड्यूटी है। ये कहता है 38 आपको। बात करते हैं 39 का। 39 कहता है कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं, अगर वो ऑफेंसेस कोई अन्य व्यक्ति करने का इंटेंट रख रहा है, या कोई व्यक्ति ऐसे ऑफेंसेस को जिसका जिक्र सेक्शन 39 में किया गया है उसको कर दिया है, तो फिर उन ऑफेंसेस की जानकारी पब्लिक को देनी है, एक हर व्यक्ति को देनी होगी। तो वो ऑफेंसेस क्या क्या है देख लो, जो पनिशेबल है 121 से 126 के अंतर्गत, जो पनिशेबल है 126 और 130 भी कर लो, जो पनिशेबल है 143, 144, 145, 147, 148, 46 को छोड़ के, क्योंकि 46 में 146 में राइट को डिफाइंड किया गया है, उसके बाद 161 टू 165 ए, 272 टू 278 करेक्ट, उसके बाद 302, 303, 304, 364 ए, 382, 392 टू 399, 402, 409, 431 टू 439, उसके बाद 456 टू 460, 489 ए टू 489 ई, इफ आई एम नॉट करेक्ट, इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट। तो ये सारे ऑफेंसेस हैं जिनकी जानकारी अगर किसी आम नागरिक को पता है, जानकारी है कि कोई अदर व्यक्ति ऐसे ऑफेंसेस को करने का इंटेंट रखता है, इरादा रखता है, या ऐसा ऑफेंसेस हो गया है, तो फिर उस व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है कि इसकी जानकारी वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को या नियरेस्ट ऑफिसर इंचार्ज को ऑफ द पुलिस स्टेशन दे, इन दोनों में कोई भी नियरेस्ट होगा उसको देना है। और अब यहां समझना एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जिस व्यक्ति पे केस बन गया कि उसने इस जानकारी को साझा नहीं किया है मजिस्ट्रेट या पुलिस से, तो इस व्यक्ति को जानकारी थी, इस बात को प्रूव करने का बर्डन उसी व्यक्ति पे होगा जिस पे एलिगेशन लगा है, ये याद रखना बर्डन ऑफ प्रूफ के रिस्पेक्ट में। चाहते तो हम आगे भी बढ़ सकते थे, चैप्टर 5 को भी कवर कर लेते, लेकिन चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस और प्री दोनों के रिस्पेक्ट में, और उसको डिटेल में पढ़ाना बहुत जरूरी है। डिटेल में तो हम ऐसे भी सब चीज़ पढ़ा ही रहे हैं, आइए देखते हैं। अभी मैं आपको बता दें, सेक्शन 40 को शुरू करने से पहले इस पे सवाल भी बनता है, बहुत ज़्यादा सवाल बनता है। थोड़ी सी गला में खराश है इसलिए अदरक वाली चाय पीते पीते मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, रुक नहीं रहा हूँ,
रुकना नहीं लाइफ में यार, रुकना नहीं, एक ही स्टेप सही, एक ही स्टेप हर दिन बढ़ना है अपने लाइफ में। आप लाइफ में जितना भी गलती करना करो ना यार, जितना भी गलत काम करना करो, लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा कदम छोटा ही सही लेकिन बढ़ाते रहो। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो, आप लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो ये मैटर करता है। और लक्ष्य की तरफ जिस दिन बढ़ते बढ़ते पहुंच गए, हर गलती आपकी माफ हो जाती है। और लक्ष्य नहीं मिलने के बाद आप कितने भी सही हो, आप बदनामी रहते हो, आप निकम्मे ही रहते हो, इस बात को याद रखना। आइए 40 का बात करते हैं। सेक्शन 40 क्या कहता है, ड्यूटी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट। तो सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ कह रहा है कि जिन भी व्यक्तियों की नियुक्ति हुई थी विलेज से जुड़े हुए मामलों को संचालित करने के रिस्पेक्ट में, अगर मान लो उनको जानकारी है उन बातों की, उन ऑफेंसेस की जिसका जिक्र किया जा रहा है सेक्शन 40 में, तो वो उस जानकारी को साझा करेगा, देगा किसको? तो यहाँ कहता है कम्युनिकेट टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को, वो भी दोनों में से जो सबसे नज़दीक होगा उसी को दे देगा। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज में दोनों में से कोई सबसे नज़दीक है उसी को देगा उन अपराधों के बारे में जानकारी जो जो एम्प्लॉयड हुआ है विलेज के कार्यों को एग्जीक्यूट करने के रिस्पेक्ट में। अमूमन की क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं सरपंच, है ना। तो देखो वो ऑफेंसेस क्या है जिनकी जानकारी देनी है, तो एक कहता है कि अगर कोई परमानेंट रेसिडेंस बना लिया है विलेज में कोई नोटोरियस रिसीवर या वेंडर स्टोलन प्रॉपर्टी का, उस विलेज में या उस विलेज के अगल बगल के विलेज में, इस बात की जानकारी देनी होगी, इस रिस्पेक्ट में रिपोर्ट बना के भेजना पड़ेगा हेड ऑफ द विलेज को, किसको? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इंचार्ज को। दूसरा कहता है द रिसोर्ट टू एनी प्लेस विद इन और पैसेज थ्रू सच विलेज ऑफ एनी पर्सन विच ही नोज और रीजनेबली सस्पेक्ट टू बी अ ठग रॉबर स्केप्ड कन्विक्ट और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अगर मान लो उस विलेज से या उस विलेज में अगर कोई ठग रॉबर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किसे कहते हैं, इसके लिए 82 सबसेक्शन 4 देखना होता है सीआरपीसी का। ये स्केप्ड कन्विक्ट किसे कहते हैं जो जेल से फरार हो जाता है, आफ्टर कन्विक्शन वो जेल में गया, जेल से फरार हो गया, स्केप्ड कन्विक्ट होता है। अगर ये इस प्रकार के लोग अगर उस विलेज में अपना रेसिडेंट्स बना लिए हैं या उस विलेज से गुजरते हैं और इस बात की जानकारी व्यक्ति को है, या व्यक्ति का कहने का मतलब हेडमैन ऑफ द विलेज सरपंच मुखिया, इसको रिपोर्ट बना के जानकारी देनी होगी, किसको देनी होगी? जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा या जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज होगा, दोनों में से जो नजदीक होगा उसको। उसके बाद सी कहता है द कमीशन और इंटेंशन टू कमिट, अगर हो गया या होने का कोई व्यक्ति इस अपराध को करने का इंटेंट रखता है तो इसकी जानकारी, वो भी कहां पे? तो कहता है इन और नियर सच विलेज एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस और एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 143, 144, 145, 147, 148 ऑफ आईपीसी। अगर कोई व्यक्ति ने या अगर कोई ऑफेंस, ये जो सेक्शन के बारे में बात कर रहा है 143, 44, 45, 47 का, तो इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग आईपीसी का अगर अपराध हो चुका है या कोई व्यक्ति अपराध करने का इरादा रखता है, ऐसे अपराधों का इरादा रखता है, तो इस बात की जानकारी थ्रू रिपोर्ट देनी होगी, सौंपनी होगी। कौन सौंपेगा, किसको सौंपेगा, ये आपको पता है, है ना। डी नंबर देखो पॉइंट कहता है कि कुछ भी नहीं छोड़ना यार, कुछ भी नहीं छोड़ना। डी कहता है कि अक्रेंस इन और नियर सच विलेज ऑफ एनी सडन और अननेचुरल डेथ, अगर मान लो उस गांव में या गांव के अगल बगल अचानक किसी की मौत हो गई है और अननेचुरल तरीके से हुई है, या फिर कोई भी जो डेथ हुआ है वो सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस में हुआ है, या फिर उस गांव से या उस गांव के अगल बगल के इलाकों से डिस्कवर हुआ है, प्राप्त हुआ है कॉर्पस या पार्ट ऑफ कॉर्पस, डेड बॉडी या डेड बॉडी का कोई हिस्सा, इन सच सर्कमस्टांसिस विच लीड टू रीजनेबल सस्पिशन दैट सच डेथ हैज अकर्ड और the disappearance from such village of any person in circumstances which lead to a reasonable suspicions that a non-blamable offense has been committed in respect of such person। अगर कोई डेड बॉडी का हिस्सा मिला है उस गांव से या गांव के अगल बगल के इलाकों से, और अगर संभावना ये है
कि कोई व्यक्ति लापता है गांव से, गांव के अगल बगल के इलाके से अचानक से लापता हो गया है और संभावना ये बन रहा है कि उस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में कोई नॉन बिलेबल ऑफेंस हो सकता है कि हुआ हो, तो फिर इन बातों की जानकारी को थ्रू रिपोर्ट भेजना पड़ेगा, सौंपना पड़ेगा हेड ऑफ द विलेज को, सरपंच, मुखिया को, किसको, तो जो भी मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इंचार्ज नजदीक के होंगे उनको। ई नंबर पॉइंट कहता है कि मान लो ऑफेंस हुआ या ऑफेंस होने का किसी व्यक्ति ने इंटेंट बनाया है, वो भी कहाँ पे, भारत के बाहर, अगर वो अपराध विलेज में होगा तो वो पनिशेबल होगा एज एन ऑफेंस, है ना, और वो ऑफेंसेस क्या है, वो ऑफेंसेस पनिशेबल है आईपीसी के सेक्शन वही एज यूजुअल 231 से 238, 302, 304 आप देख लेना वो ऑफेंसेस क्या है। उसके बाद लास्ट जो क्लॉज है वो कहता है कि एनी मैटर लाइकली टू अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और सेफ्टी ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी, अगर कोई भी मुद्दा जिससे विलेज में शांति व्यवस्था को संभावना है कि इफेक्ट हो सकता है तो वो मुद्दा का जानकारी भी देना पड़ेगा, या फिर अगर कोई क्राइम को रोका जा सकता है अगर जानकारी पहुंच गई जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को, ऑफिसर इंचार्ज को, तो वो जानकारी भी देनी होगी, या जरूरी है पर्सन या प्रॉपर्टी के सेफ्टी के रिस्पेक्ट में तो जानकारी देनी होगी, और वो भी ये सारे बातों का एक जुड़ाव है। वो जुड़ाव क्या है कि इस सारे बातों के रिस्पेक्ट में जिसका जिक्र क्लॉज एफ में किया जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में मजिस्ट्रेट ऑलरेडी कह चुकी है कि अगर ऐसा कुछ बात होता है गांव में या गांव के अगल बगल एरिया में तो इसकी जानकारी देनी होगी हेडमैन को विलेज के, तो फिर देनी ही होगी, करेक्ट। उसके बाद सबसेक्शन 2 आपको बताता है कि विलेज का मतलब क्या, तो विलेज लैंड, विलेज इंक्लूड्स विलेज लैंड, और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को डिफाइन किया गया है, सिर्फ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वही नहीं जो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग हो, वो भी जो स्टेट गवर्नमेंट जिसको डिक्लेयर कर दे, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और ऑफिसर को डिफाइन किया गया, इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट था सबसेक्शन 1 कि कौन कौन सा मुद्दा है, जानकारी है जिसकी जरूरत है कि जो विलेज का हेडमैन है, मुखिया, सरपंच है, वो रिपोर्ट बना के उस बात की जानकारी साझा करे मजिस्ट्रेट से या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ दी पुलिस स्टेशन से। आई होप कि आपको एक एक बात 36 से 40 तक समझ में आया होगा, और सीआरपीसी के सिलसिले को बढ़ाएंगे, कंटिन्यू रखेंगे, और सीआरपीसी को भी कंप्लीट कर देंगे, एक 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 सेक्शन को सीआरपीसी का भी यूट्यूब पे कंप्लीट कर देंगे। अनअकैडमी पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि अनअकैडमी आपको बहुत कुछ देती है, मॉक टेस्ट अनअकैडमी पे होता है, अनअकैडमी पे बैचेस बना हुआ है, अभी दो दो बैच बना है नया, अभी नया नया दो दो बैच बना है जो 15 सितंबर और 9 सितंबर से शुरू होने वाला है, तो इस बैच के लिए खुद को एनरोल्ड करो। अनअकैडमी का प्राइसिंग प्लान ना बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, एट वेरी लो कॉस्ट आपको मिल जाता है, आपको प्राइसिंग प्लान आपको आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप कोड अप्लाई करोगे ना, कोड लॉ इज लाइफ, तो आपको 10% का उसमें भी डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट, 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, जी हाँ 10% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, तो इंतजार मत करो, खुद को एनरोल करो, बाकी हम लोग मिलते हैं अनअकैडमी पे, थैंक यू सो मच, बने रहने।